हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं ज्योग्राफी के 4 चैप्टर परिवहन, संचार एवं व्यापार का। जैसा कि आज आप लोगों को रूटीन मिल चुका होगा, तो मैंने उसमें पहले ही आप लोगों को बता दिया था। तो आज हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं परिवहन, संचार एवं व्यापार, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे आज हम लोग परिवहन को खत्म करते नेक्स्ट क्लास में संचार एवं व्यापार को देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हमारे इस क्लास को रेगुलर ज्वाइन करने के लिए रोज हमारे साथ 8 PM में बने। तो 8 PM में हम लोग इस चैप्टर को ज्वाइन करते हैं, तो आप 8 बजे शाम में रोज हमारे साथ जुड़े। तो अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस पेपर के नोट्स, अगर ये आपको इसका PDF चाहिए जितने हम लोग आज क्लास के दौरान बताते हैं, तो इसको आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि आपको इसका PDF कैसे मिलेगा। तो चलिए हम लोग पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट ही हुआ है, तो ये हमारा लेक्चर का Part 1 वीडियो है और ये आप सब भी जानते होंगे ये हमारा Part 1 ही है। तो चलिए हम लोग अपने जो है इस परिवहन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इस चैप्टर से आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव और बहुत सारा सब्जेक्टिव बनता भी है और आपके एग्जाम में पूछता भी है। और मेनली टॉपिक जो है ये आपको समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो परिवहन मतलब, परिवहन का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? चलिए इसमें अगर हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो हम लोग उसमें विभिन्न माध्यम का उपयोग करते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का साधन। मतलब अगर हम लोग पुराने जमाने में थे तो हम लोग पुराने जमाने में बैलगाड़ी से या पैदल से या किसी तरह से जाते थे, लेकिन आज के समय में हम लोग किससे जाते हैं? बस से, रेलवे से, वायुमार्ग, यातायात, जहाज इत्यादि से हम लोग एक जगह से दूसरे जगह का सफर करते हैं। इसी को मेनली हम लोग क्या कहते हैं? परिवहन। अगर आप लोग हमारे क्लास को, अगर आप लोगों को समझ में आती है और आप लोगों को अगर मैं बेहतरीन तरीके से समझा सकता हूँ, तो जितने बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझा सकता हूँ मैं उतने बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा, जिससे आपको कभी भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे अगर आज से 1-2 साल के बाद भी, तो आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो परिवहन आप लोग समझ लिए, तो यही हमारा परिभाषा भी आपका यहाँ पर कहेगा, किसी भी क्षेत्र या राष्ट्र के समुचित विकास के लिए परिवहन एवं संचार का साधन आधार पर काम करते हैं। ये साधन उत्पादन एवं उपभोग अथवा मांग एवं आपूर्ति के बीच संबंध स्थापित करते हैं। मतलब परिवहन जो साधन है ये उत्पादन एवं उपभोग अथवा मांग एवं आपूर्ति के बीच जो है एक संबंध स्थापित करता है। मतलब सामान को एक जगह से दूसरे जगह लेकर आना, लेकर जाना, यही समय वो परिवहन हमारा एक संबंध स्थापित करता है। इसलिए परिवहन एवं संचार को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है। इसलिए परिवहन को क्या कहता है? परिवहन एवं संचार को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है। किसको? परिवहन एवं संचार को। तो दो स्थानों के बीच हम लोग क्या करते हैं? आगमन के लिए हम लोग परिवहन साधनों का आवश्यकता पड़ती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आप लोगों को मैं बुक को रीडिंग करके मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेके आता हूँ, जो उस बुक का पूरा निचोड़ होगा। मतलब कि हमारे इस वीडियो को देखने के बाद आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। जहाँ आपको मैं कहूँ बुक पढ़ने के लिए, आप लोग उस पेज को उल्टा के पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको कुछ कन्फ्यूजन ना रहे। और क्लास ज्वाइन करने से पहले अगर आप लोग एक बार बुक को पढ़ के भी आते हैं तो आपको एक बेहतरीन परख मिलती है कि हम लोग कहाँ पढ़े, हम लोग कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परिवहन, हम लोग समझ लिए। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं परिवहन के प्रकार, कि परिवहन कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे परिवहन कितने प्रकार के होते हैं। तो परिवहन जो है हमारे होते हैं वो आपको, पहला जो है आपको सड़क मार्ग होते हैं, दूसरा सड़क मार्ग से, दूसरा हमारा रेल मार्ग से, थर्ड हमारा जल मार्ग से कर सकते हैं, चौथा हमारा वायु मार्ग और पांचवा हमारा पाइपलाइन मार्ग। तो ये सभी हमारे परिवहन के प्रकार है। पहला प्रकार है सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग और पाइपलाइन। ये सभी क्या है? हम लोगों के परिवहन के प्रकार है। तो हम लोग एक एक करके सारी चीजों को पढ़ेंगे, सड़क मार्ग, फिर रेल मार्ग के बारे में जानेंगे, फिर जल मार्ग के बारे में जानेंगे, फिर वायु मार्ग के बारे में जानेंगे और फिर हम लोग पाइपलाइन के बारे में जानेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में संचार एवं रेडियो के बारे में जानेंगे। तो आज जो बेसिकली आप लोगों का ये क्लास है वह सड़क मार्ग पर है। मतलब कि आज की क्लास का सबसे आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है आपका सड़क मार्ग। तो आज की इस वीडियो को जो आपको कवर किया जाएगा, चैप्टर को कवर किया जाएगा वो है सड़क मार्ग के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा अभी के इस क्लास में। तो चलिए हम लोग सड़क मार्ग को लेकर अपने इस क्लास को आज का स्टार्ट करते हैं।
अगर आप लोगों को समझ में आ रही है तो नीचे आप लोग कमेंट में यस या नो लिख सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कहीं कंफ्यूजन होती है तो वहां आप लोग नो लिखे और उस पॉइंट को वहां मैसेज करें, मैं आपको वहां उसका रिप्लाई दे दूंगा। यहाँ हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े, मैं फिर से कहना चाहता हूँ आप लोग ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को जुड़े और कुछ दिन के बाद आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सुविधा ही उपलब्ध हो जाएगी। और आप लोग जो यदि सब चीज पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को फिर एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं आशा करता हूँ कि अगर आप कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो इतने बेहतरीन तरीके से अगर आपको वहाँ मिलती है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं मिलती है तो हमारे चैनल के द्वारा आपको मिल जाएगी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं समझाने का कोशिश करता हूँ, जितने तरीके से आपको समझा सकूँ। तो हम लोग अब समझते हैं सड़क मार्ग क्या होता है। तो सड़क मार्ग परिवहन का सबसे सामान्य एवं सुलभ एवं सुगम्य संसाधन है। मतलब अगर हम लोग सड़क से कहीं जाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत सामान्य है, बहुत आसान भी और बहुत सुगम भी। क्योंकि हम लोगों को अगर आप लोग कहीं ट्रेन नहीं चलती है तो आपके घर के सामने तो आपकी गाड़ी चलती ही होगी, तो इसलिए आपके आप अगर कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर पैदल भी चलते हैं तो आप लोग सड़क पर ही चलते हैं। तो सड़क मार्ग परिवहन का सबसे सामान्य सुलभ एवं सुगम साधन है। इसके बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा है लगभग 33 किलोमीटर लंबी सड़कों के साथ भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में स्थान रखता है। मतलब कि 33 लाख किलोमीटर की लंबी सड़कों के साथ भारत जो है विश्व के मतलब संसार के पूरे दुनिया के सर्वाधिक सड़क मार्ग जालों के देशों में स्थान रखता है। उसके बाद भारत का जो सबसे पुराना सड़क है वो है ग्रैंड ट्रंक रोड। आप लोग इस पॉइंट को जानते भी होंगे, ग्रैंड ट्रंक रोड देश की सबसे पुरानी सड़क है। अगर आपसे पूछा जाए कि देश की सबसे पुरानी सड़क कौन सी है तो आप लोग बताइएगा ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ये देश की सबसे पुरानी सड़क है। उसके बाद इसे शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित किया गया था। मतलब ये जो सबसे सर्वाधिक और सबसे पुरानी सड़क है ग्रैंड ट्रंक रोड, इसको शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित किया गया था। अगर आपसे कोई पूछा कि ग्रैंड ट्रंक रोड को किसके द्वारा निर्मित किया गया था तो आप लोग बताइएगा शेरशाह सूरी के द्वारा। ग्रैंड ट्रंक रोड को शेरशाह सूरी के द्वारा जारी किया गया था। यह सड़क जो है ग्रैंड ट्रंक रोड, यह कोलकाता से अमृतसर तक के भाग को भारत में पड़ता है। इस मतलब ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड है जो शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित है उसका कलकत्ता से लेके अमृतसर तक का जो भाग है वो भारत में पड़ता है। उसके दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ। अगर आप लोग अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो अगर आप लोग अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, यह आपके सिलेबस से ज्यादा दूर नहीं है, मतलब कि सिलेबस में आपका नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ समझा देता हूँ। तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है, मैं आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ये हमारे जो है चार देशों को हमारे एक साथ जोड़ता है। कितने देशों को? ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ये चार देशों को एक साथ जोड़ता है। वो चार देश में हमारे आते हैं बांग्लादेश पहला आता है, उसके बाद हमारा आता है भारत, उसके बाद जो आता है इसमें आपको वो आता है पाकिस्तान, और उसके बाद जो इसमें और आता है वो है हमारा अफगानिस्तान। तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है इसमें चार देश के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन? बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अगर आपसे पूछा कि ग्रैंड ट्रंक रोड में कौन कौन आता है तो आप लोग बताइएगा ग्रैंड ट्रंक रोड के अंतर्गत बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये चार देश आते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड की जो लंबाई है वो आपको 2500 किलोमीटर है, जिसमें से इसका जो है आप लोग जो ये जो रोड स्टार्ट होती है वो आपको स्टार्ट होती है, ये जो रोड प्रारंभ होती है बांग्लादेश के चटगांव से प्रारंभ होती है। ये जो शेरशाह सूरी ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ये बांग्लादेश के चटगांव से प्रारंभ होता है और यह पाकिस्तान मतलब लाहौर होते हुए अफगानिस्तान से लीजिए काबुल तक जाता है। तो ग्रैंड ट्रंक रोड एशिया की सबसे पुरानी सड़क है और इसका विस्तार इस तरह से है जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया, ये चार देशों को एक साथ जोड़ते हैं बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो आप लोग इसको समझ लिए। अब हम लोग आते हैं, आप ये मेरा इसलिए पर्पज था कि आप लोगों को अगर कभी जीके जनरल नॉलेज की जरूरत पड़े तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों को जनरल नॉलेज भी पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी मार्ग जो है कहाँ कहाँ स्थित रहती है, कहाँ से कहाँ तक है। तो इसके अंतर्गत चार देश आते हैं, आप लोगों से अगर कभी भी पूछा तो आप लोग बता सके। तो अब आते हैं भारत में सड़कों का विकास, मतलब भारत में सड़कों का विकास किस तरह से है और ये किस तरह से काम करता है भारत में सड़कों का
विकास। तो हम लोग अब इसी को समझते हैं। हम लोग जिस पर्पस पर काम करते हैं उसका एक ही पर्पस है कि आप लोग बोर्ड एग्जाम के साथ साथ अगर आप लोग कभी जनरल कंपटीशन में बैठे तो आप लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझा दिया कि आप लोगों से कोई कोई कुछ पूछे तो आप लोग कभी उल्लू ना बने और कभी आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो भारत में सड़कों का विकास, भारत में जो सड़कों का विकास है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में लगभग 2.42 लाख किलोमीटर एवं 1.46 लाख किलोमीटर जो है लंबी पड़क की सड़क थी। ये क्वेश्चन आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में पूछता है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में कितने लाख किलोमीटर की सड़क थी, आप लोग बताइएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में 2.42 लाख किलोमीटर एवं 1.46 लाख किलोमीटर लंबी पक्की सड़कें थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो सड़क का विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया, कब? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सड़कों के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 500 की आबादी वाली बस्तियों में सड़कों को जोड़ने की योजना है। अगर आपसे कोई पूछा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत कितने आबादी वाले लोगों को सड़कों से जोड़ा जाता है, आप लोग बताइएगा 500 आबादी के। अगर कहीं भी 500 आबादी के अगर लोग रहते हैं तो उस एरिया में सड़क बनाई जाएगी और इस एरिया के सड़क को आपके SS मार्ग से जोड़ा जाएगा, जिसको आप लोग स्टेट हाईवे बोलते हैं। तो स्टेट लाइन से आप लोगों को जोड़ा जाएगा। तो अगर आप लोग किसी गांव से बिलोंग करते हैं तो आप लोग वहां नाम सुनेंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ये रोड बनी है। तो इसको प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाई जाती है जहां 500 से अधिक आबादी की व्यवस्था रहती है। अब हम लोग आते हैं प्रादेशिक मतलब सड़क का वितरण किस प्रकार है, ये जो भारत में जो सड़क का वितरण है वो किस तरह से है, तो अब हम लोग इसी को समझते हैं। दोस्तों थोड़ा वीडियो आप लोगों का लंबा जा सकता है, मतलब कि आप लोगों का आपसे 30 मिनट का क्लास यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब कि 8 से 8:30 बजे तक हम लोग रेगुलर आप क्लास करेंगे। तो आप लोगों को रेगुलर बने रहना है और जो स्टूडेंट शुरुआत में ज्वाइन करते हैं वो अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे, क्योंकि सभी पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग प्रादेशिक वितरण देखते हैं। तो पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से महाराष्ट्र को पहला स्थान प्राप्त है, मतलब कि सबसे ज्यादा अगर पक्की दृष्टि के दृष्टि से महाराष्ट्र को सबसे पहला स्थान दिया गया है। यहाँ 2.70 लाख किलोमीटर लंबी पक्की सड़कें हैं। तो सड़कों की दृष्टि जो सबसे पहला स्थान है वो आपको महाराष्ट्र का है पक्की सड़कों की दृष्टि से। यहाँ 2.70 लाख किलोमीटर लंबी पक्की सड़कें हैं। उत्तर प्रदेश का दूसरा एवं उड़ीसा का तीसरा स्थान आता है, मतलब कि ये जो पक्की सड़कों का वितरण है इसमें उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान आता है और उड़ीसा का तीसरा स्थान आता है। पक्की सड़कों की जो सबसे कम लंबाई वाला राज्य है वो है लक्षद्वीप, जहाँ पक्की सड़क नामार्थ है, मतलब पक्की सड़कों की सबसे कम लंबाई वाला अगर आपसे कोई राज्य पूछा तो आप लोग बताएगा लक्षद्वीप। ये सब GK GS का क्वेश्चन है और आपके एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और खासकर GK GS के लिए तो ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पक्की सड़कों की दृष्टि से सबसे कम लंबाई वाला राज्य हमारा लक्षद्वीप और महाराष्ट्र को इससे पहला स्थान दिया गया है पक्की सड़कों में और दूसरा स्थान हम लोग उत्तर प्रदेश को दिए और तीसरा स्थान हम लोग उड़ीसा को दिए हैं। और यहाँ सिर्फ 1 किलोमीटर लंबी सड़कें, कहाँ? लक्षद्वीप पे सिर्फ 1 किलोमीटर लंबी पक्की सड़कें, कितने किलोमीटर की? 1 किलोमीटर की। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट हमारा है सड़कों के घनत्व की दृष्टि से केरल प्रथम स्थान था, मतलब कि सड़कों की जहां सबसे ज्यादा संख्या है इसकी दृष्टि से केरल को सबसे प्रथम स्थान दिया गया है। तो यह था हमारा प्रादेशिक विनियन। अब हम लोग जानते हैं सड़कों के प्रकार, मतलब सड़क कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग सभी पॉइंट को सड़कों के प्रकार में अच्छे से ध्यान से देखते हुए जाएंगे और ध्यान से पढ़ते हुए भी जाएंगे। तो सड़कों के प्रकार, तो नागपुर सड़क योजना के तहत पहली बार देश के सड़कों को 4 प्रकार में बांटा गया। अगर आप लोगों से पूछेगा कि देश की सड़कों को कितने भागों में बांटा गया था और किस योजना के अंतर्गत बांटा गया था तो आप लोग बताएगा नागपुर सड़क योजना के तहत पहली बार देश की सड़कों को किससे 4 प्रकारों में बांटा गया था। पहला जो प्रकार है वो आपको है राष्ट्रीय राजमार्ग, मतलब की सड़कों को जो बांटा गया था उसमें सबसे पहला जो नाम है नागपुर सड़क योजना के तहत वो आपका है राष्ट्रीय राजमार्ग। दूसरा जो है वो हमारा है राज्य मार्ग, राज्य मतलब राष्ट्रीय जिसको नेशनल राजमार्ग बोलते हैं, उसके बाद हमारा आता है राज्य राजमार्ग। और थर्ड जो हमारा है वो है जिला के सड़के, मतलब जो जिला के सड़के होते हैं। चौथा होता है हमारे ग्रामीण सड़के। तो इस तरह से जो है नागपुर सड़क योजना के तहत देश की सड़कों को कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया। पहला राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा हमारा राज्य राजमार्ग, तीसरा हमारा जिला के सड़के और चौथा हमारा है ग्रामीण सड़के। तो हम लोग अब एक एक करके सभी पॉइंट को समझते हैं।
राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, राज्य राजमार्ग क्या है, जिला की सड़कें क्या है, ग्रामीण सड़कें क्या है। मतलब आज हम लोग क्लास में सिर्फ सड़कें के बारे में पढ़ेंगे, कल के क्लास में हम लोग रेल एवं इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। और आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ने के लिए 3 दिन लगेगी और 4th दिन हम लोग इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। पहले आप लोग इस बुक के सारे इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लीजिए। और पीडीएफ के लिए तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि पीडीएफ आप लोगों के लिए अंत तक बने रहेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है तो वो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो पहला आता है हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग। पहला क्या आता है हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग, मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग में क्या होता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग देश के विभिन्न भागों प्रांतों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है देश के विभिन्न भागों प्रांतों एवं आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ये देश के एक छोर से दूसरे तक फेरी, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है देश के एक छोर से दूसरे छोर तक फेरी रहती है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 देश का सबसे लंबा राजमार्ग है। अगर आपसे कोई पूछा कि देश का सबसे लंबा राजमार्ग कौन है तो आप लोग बताइएगा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7, मतलब राजमार्ग संख्या 7 जो ये देश का सबसे बड़ा राजमार्ग है। और यह जो है राजमार्ग जो है राष्ट्रीय राजमार्ग ये देश को एक छोर से दूसरे छोर तक जोड़ती है। और राजमार्गों के निर्माण एवं देखभाल का दायित्व केंद्र सरकार का होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो होता है, अगर आपसे कोई पूछा कि राष्ट्रीय राजमार्ग का देख रेख और रख रखाव काम किसका होता है तो आप लोग बताइएगा राष्ट्रीय राजमार्गों का जो देखभाल होता है वो होता है दायित्व केंद्र सरकार के पास होता है। मतलब इसका जो फंडा होता है वो केंद्र सरकार के पास होता है दायित्व का प्रकार। देश में भी कुल 228 राष्ट्रीय राजमार्ग है जिनकी कुल संख्या 66,590 किलोमीटर है। देश में अभी कुल जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वह 228, मतलब देश में टोटल अगर कोई पूछा कि कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है तो आप लोग बताइएगा 228 राजमार्ग है राष्ट्रीय राजमार्ग। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट हमारा राज्य राजमार्ग किसको बोलते हैं। आप सभी स्टूडेंट एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे और सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। इसी सिलसिले में हम आए हैं पहुंचे अब राज्य राजमार्ग किसको कहते हैं। तो राज्य राजमार्ग राज्यों की राजधानी को विभिन्न जिले मुख्यालय से जोड़ता है। राज्य जो राजमार्ग है ये राज्यों की राजधानी को क्या करता है, विभिन्न जिले के मुख्यालय से जोड़ता है। इन सड़कों का निर्माण एवं देखरेख का दायित्व जो है वो राज्य सरकारों के पास होता है। मतलब राज्य जो राजमार्ग है, मतलब कि जो राज्य राजधानियों को विभिन्न जिले मुख्यालय से जोड़ता है, इसका जो देखरेख का काम होता है उसका दायित्व राज्य सरकारों पर होता है। और ये सड़क राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ी होती है। ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग से कौन होती है, जो राज्य राजमार्ग होती है इसको हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ते हैं नेशनल हाईवे का। लेकिन इसके वहां तक पहुंचाने का काम किसका होता है, तो वो राज्य सरकार का होता है। अब हम लोग अब नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट हमारा है अब आपको जिला सड़कें। क्या है जिला सड़कें, तो जिला सड़कें राज्यों के विभिन्न जिला मुख्यालय एवं शहरों को मिलाने का काम करता है। जिला सड़कें जो होती है ये राज्य के विभिन्न मुख्यालयों एवं शहरों को मिलाने का काम करता है। देश की कुल सड़कों का 14% हिस्सा हमारा होता है जिला सड़कें। क्षेत्रीय विकास एवं इन सड़कों का विशेष महत्व है, मतलब क्षेत्रीय विकास के लिए इन सड़कों का विशेष महत्व है। और इन सभी सड़कों के रख रखाव का जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास होता है। मतलब जिला जो सड़कें होती है इसके रख रखाव का जो कार्य होता है वो जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। तो ये था हमारा जिला सड़कें। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं वो आपको है ग्रामीण सड़कें, मतलब क्या है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट वो है ग्रामीण सड़कें। तो ग्रामीण सड़कें जो होती है ये विभिन्न गाँवों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। ग्रामीण सड़कें जो होते हैं ये विभिन्न गाँवों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। इसके अंतर्गत देश की कुल 80% सड़कें आती है, मतलब कि ये जो हमारा है ग्रामीण सड़कें इसके अंतर्गत कुल सड़कों का 80% हिस्सा जो है किसके अंतर्गत आता है, तो ग्रामीण सड़कों के अंतर्गत आता है। ग्रामीण सड़कों के अंतर्गत किस क्या आता है, तो ग्रामीण सड़कों के अंतर्गत जो है देश के कुल 80% भाग शामिल होते हैं। और इन सड़कों का जो विकास है वो प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत किया जाता है। ये जो सड़कें होती है इसका जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत इसका जो है काम किया जाता है। तो ये था हमारा ग्रामीण सड़कें। अब हम लोग आते हैं सीमांत सड़कें पर। तो राजनीतिक एवं सामरिक दृष्टि से सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करता है, मतलब कि सीमांत सड़कें हम लोग किसको बोलते हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में जो सड़क का निर्माण किया जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीमांत सड़कें। राज्य में इन सड़कों का निर्माण एवं दायित्व का रख रखाव का सीमा सड़क संगठन करता है, जिसका संगठन 1960 में हुआ था। मतलब सीमा जो संगठन होता है इसका 1960 में किया गया था। इसी का काम होता है हम लोगों का सड़कों का निर्माण एवं रख रखाव का सीमा सड़क संगठन करता है, जो हमारा सीमांत पर सड़कें थे, मतलब बॉर्डर इलाके में जो सड़कें होती हैं इन्हीं सड़कों के माध्यम से सीमा पर सैनिकों को भेजा जाता है। यही जो सड़क मार्ग हमारा सीमांत सड़कें
इसी के आधार पर किसानों को जो क्या करते हैं सैनिकों को जो है आपको सीमा पर भेजा जाता है, और इन सड़कों के माध्यम से सीमा पर सैनिक के लिए आवश्यक सामानों को भी भेजा जाता है। अब हम लोग जो है अपने क्लास को आज का यही रखते हैं। अगर आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो हमारा क्लास 20 मिनट चला है आज। अगर आप लोगों को यहाँ तक में कुछ समझने में दिक्कत है तो नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों का वेट करता हूँ। आप लोग अपना कमेंट जल्दी से कीजिए ताकि मैं आप लोगों का प्रॉब्लम देख लूँ और आप लोगों को उसका सोल्यूशन दे सकूँ। और कल जो है हम लोग शाम में, कल जो हम लोगों का है 3 बजे वो हिंदी का क्लास है, और शाम में फिर हम लोग इसी के 8 बजे के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कल के क्लास में देखेंगे 8 बजे वो है हमारा रेल मार्ग, पाइपलाइन मार्ग एवं वायु मार्ग। मतलब कि कल के क्लास में हम लोग इस तीनों मार्ग को देख लेंगे, कौन कौन रेल मार्ग, पाइपलाइन मार्ग और वायु मार्ग को। तो आज का क्लास हम लोग यहीं रखते हैं, तो मिलते हैं कल शाम में, कल 3 बजे, तब तक के लिए बाय। आप सभी अपना अपना एक बार अटेंडेंस बनाते हैं ताकि आप लोगों को इसका PDF मिल सके। तो आज का क्लास हम लोग यहीं रखते हैं, तब तक के लिए बाय।